अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में जो भी काम किया है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। जो सरकार आएगी ना केजरीवाल की आएगी अभी। अच्छा, विशेष प्रदेश ने क्या क्या काम? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट क्लास जो भी कमरे लेके आया था तुरंत तैयार करते हो। आप बताए, पानी फ्री, बिजली फ्री, सड़कें बनवा दी है, सीवर डलवा दिए। अच्छा, ये सब काम हमारे विशेष ने किया। बताइए कि विशेष जी महीने में कितनी बार चक्कर लगा जाते हैं? महीने में कम से कम दो तीन बार। दो तीन बार चक्कर मारते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि रावत और आप देख रहे हैं VOI वॉइस ऑफ इंडिया। आज हम करोल बाग के बापा नगर में पहुंच गए हैं और यहां पर कई सारे लोग हैं जिनसे उनके बारे में पूछेंगे, उनके दिनचर्या के बारे में पूछेंगे, किस तरीके से उनके यहां दिन बीत रहे हैं, क्या कोई मुसीबत परेशानी दिक्कत समस्या तो नहीं है। आइए जानते हैं उन्हीं से। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक राइट साइड पे एक सर है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, संजय सर ये बताइए आप इस क्षेत्र में रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है बिजली पानी सड़क को लेके? बिजली पानी की तो कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में जो भी काम किया है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। संतुष्टि किस किस चीजों को लेकर के, मैं जरा ये जानना चाहूंगा। आम आदमी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? बिजली पानी फ्री। बिजली पानी फ्री वो आपको मिल रहा है? वो मिल रहा है, टनाटन मिल रहा है, जीरो बैलेंस बिल आ रहा है मेरा। और क्या चाहिए? ओके रिपोर्ट है। ओके रिपोर्ट है एकदम। अच्छा MLA साहब के है ना, जो आएगी ना, जो सरकार आएगी ना केजरीवाल की आएगी अभी। अच्छा, MLA साहब के बारे में बताइए जरा। हाँ जी, MLA साहब के बारे में बताइए जरा। MLA साहब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। विशेष रवि जी, विशेष रवि, सुनो, केजरीवाल की सरकार आएगी अभी। अच्छा, जो आएगी ना दिल्ली में जी, वो केजरीवाल की आएगी और किसी की नहीं आएगी। मैं जानना चाहती हूँ विशेष रवि क्या क्या काम है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बताइए विशेष रवि जी ने क्या क्या काम किया? बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, जो भी कमरे लेके आया था तुरंत तैयार करते हो, तुरंत काम करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या विशेष रवि जी का काम आपको पसंद आया है? बिल्कुल बिल्कुल पसंद आया। काम किया उन्होंने? सब काम किया, गलियों में गली बनवाई पक्की, सीवर सही करवाए उन्होंने, ये नल पानी फ्री दिया, बिजली फ्री दी, उनके काम सारे सही है। आप बताएं, पानी फ्री, बिजली फ्री, सड़कें बनवा दी है, सीवर डलवा दिए। अच्छा, ये सब काम हमारे विशेष रवि ने किया। बहुत सुविधा हुई, पानी की बहुत बेहतरीन। पहले कैसे हाल थे? पानी की पहले दिक्कत थी बहुत ज्यादा। अब मेरी बात सुनो, ये देखो यहाँ पे गड्ढे हो ना, वो है ना, वो उन्होंने ठीक करवाए, अभी वो काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। मतलब ये उन्होंने ठीक करवाए थे? अभी आप पहले खराब थे और भी ठीक करवाए, खली ठीक हुआ, ये खली ठीक हुआ, पर गड्ढा तो अभी भी है। गड्ढा अभी भी है, अभी काम चलेगा इसमें। अच्छा, अभी वो और ठीक करवाए। कुछ भी शिकायत लेके जाओ विशेष रवि से सुन लेते हैं। बस फ्री वो तो केजरीवाल जी ने कर दिया। आपके क्षेत्र की जो जो समस्याएं हैं कभी सुनते हैं, ये बताइए कि विशेष जी महीने में कितनी बार चक्कर लगा जाते हैं? महीने में कम से कम दो तीन बार चक्कर मारते रहते हैं। आप बताइए भैया, आप आइए। हाँ जी, आप आएंगे भैया जी? आप आएंगे जी? ये यूथ है हमारे साथ, पहले इनसे भी जरा राय जान लेते हैं। ये बताइए कि अगली बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे हम दिल्ली? केजरीवाल की सरकार देखना। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। केजरीवाल की सरकार देखना चाहेंगे। क्या अच्छा लगा आपको केजरीवाल की सरकार? केजरीवाल ने लेडीजों के लिए बस फ्री करी, केजरीवाल ने यहाँ के पानी वानी जो सुविधा थी वो करी, सड़कें जो खराब थी वो करवा रहे, और अभी बहुत काम है जो उन्हें बाकी करने हैं। वो जो उन्हें उस केस में फंसाया गया, वो अंदर करा गया, उसकी वजह से वो थोड़े से मजबूर हो गए, वरना तो अभी बहुत कुछ करके दिखा देते। अच्छा, इसलिए केजरीवाल की सरकार बहुत जरूरी है। अच्छा, आपके क्षेत्र में और कोई समस्याएं वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। केजरीवाल जी ने बोला कि फ्री का पानी हम देंगे तो बराबर मिल रहा है। केजरीवाल जी ने पानी फ्री करा था, बिजली का बिल फ्री करा था, अब और क्या चाहिए? पानी साफ आता है आप लोगों के यहाँ? मीठा पानी आता है, साफ आता है। ये बताइए, आपके MLA साहब का काम आपको पसंद आ रहा है? बिल्कुल पसंद है। कौन है MLA साहब आपके? हमारे केजरीवाल जी और विशेष रवि जी। अच्छा, विशेष रवि जी को जानते हैं ना आप? उनका काम कभी आए हैं क्षेत्र में? हाँ, आते रहते हैं वो, जब भी हम यहाँ पर कोई भी काम होता है तो वो आ जाते हैं, अपने आके वो करके भी बोल देते हैं, वो करवा देते हैं जो कहते हैं।
अच्छा सर आप बताइए, अंकल एक मिनट थोड़ा साइड दे दीजिए, कैमरा इधर उधर हो जाए। विशेष रवि जी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, मैं उनके बारे में जानने के लिए आई हूँ कि उनका काम कैसा है। उनका काम बहुत बढ़िया है, इस क्षेत्र के बहुत अच्छे विधायक हैं। अच्छा, और जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। क्यों ऐसी मतलब तारीफ की जाए कम, ऐसा क्या काम करा है उन्होंने? चाहे देखो किसी जाति विशेष को लेके यहाँ जो बातें होती है ना जी, वो ठीक नहीं है। अच्छा, मगर उनका क्षेत्र काफी बड़ा है। हाँ। और बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। यहाँ नहीं कहीं और भी किया है, तो उनमें कुछ खूबियां हैं। हाँ। जो उनका काम को दर्शाती है और उनको तीसरी बार भी अच्छा तैयारी है। कितने लोग इनसे सहमत है, मैं हाथ खड़ा देखना चाहती हूँ, कितने लोग सहमत है? हाँ जी, हाँ जी अंकल क्या बोल रहे हो? अब भैया थोड़ा साइड दो। हाँ जी, सारे सहमत हैं। हाँ जी बोलिए, आप क्या बोल रही हैं आप? मैं ये जानना, मैं आपके एमएलए साहब के बारे में जानना चाहती हूँ। विशेष रवि के बारे में? विशेष जी के बारे में। ये तो आपको ही मालूम होगा, बताओ भी होगा कितना काम किया। मेरे जानने जानने से मैं बता दूँ, मैं बता देता हूँ आपको जी। इस एरिया में करोला क्षेत्र नई दिल्ली स्टेशन लगता है जी, यहाँ से लेके स्टेशन लगता है जी। आप जहाँ मानपुर चले जाओ, नई दिल्ली स्टेशन चले जाओ, टैंग रोड चले जाओ, सारे लोग जो विशेष रवि के बारे में कोई बुरा नहीं बोल सकता है। नंबर एक ही होगा कि उन्होंने काम किया है और जनता अभी टिकट मिल रही है, अभी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है। गलियों में काम करा उन्होंने, नल लगवाए, जब लाइन की पाइपें बिछवाई है, सीवर बिछवाई है उन्होंने, सारे इतने काम है। और यहाँ पर उन्होंने हर मीटिंग में इन्होंने इतना मतलब सबसे ज्यादा जुड़ी है, औरतें ज्यादा जुड़ी है हमारी। अच्छा। पार्टी के अंदर अच्छा हर समाज की जुड़ी हुई है। आप यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारे बाबरनगर के अंदर टैंक रोड पे देख लीजिए आप, ये तुम्हारे पैला रोड पे देख लीजिए, गलियों में जाओ ना आप, उनसे मालूम पड़ जाएगी विशेष रूप के बारे में कौन कितना काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया। और अरे मैं, अरे भाई जी मेरे पास वीडियो है, मैं बताता हूँ। बोलने दीजिए, आपने बोल लिया ना, इनकी बारी है। यहाँ के जो 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 ईवीएम जो क्या नाम है, ई रिक्शा खड़े हुए ना जी, यहाँ पे उनसे भी पूछ सकते हो आप। अच्छा, हाँ किसी से पूछ लीजिए आप, मतलब विशेष जी के बारे में। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई और जो कांग्रेस के राज में, भाजपा के राज के अंदर जो हमें बिजली पानी की समस्या थी, वो समस्या से हमने मुक्ति पाई है। और हमारी बहन बेटी को जो रात बरात आने जाने में जो प्रॉब्लम होती थी, उससे भी हमें मुक्ति मिली है। तीसरी बात यह है कि हमारी जो गली क्षेत्रों के अंदर हमारे सीवर लाइन की पानी की लाइनों की जो कमियां थी, उनको विशेष रवि जी ने, विधायक जी ने, बल्कि तय दिल से उन्होंने भरपूर काम किया। और पब्लिक भी साथ दे रही है उनको, पब्लिक भी साथ दे रही है। और हमें ये, हम ये चाहते हैं इसी तरह हमारा नई दिल्ली संसद का और विधायक इसी तरह हमारे चुन के आए और हमारी समस्या का समाधान करे। माता जी भैया जी ने अभी बोला है कि महिलाओं के लिए सेव हो गया, करते हैं आप, बहुत करते हैं आप, बहुत अच्छी भी करते हैं आप सेव फील करती हैं कहीं बाहर भी रात के समय भी अगर आती हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये बहुत अच्छी सेव करते हैं। एक बारी में बोलिए, अपने आप को हम बहुत सेफ समझते हैं उनके राज में। अच्छा, विशेष रवि जी बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा, हमारी सब सुनाई लेते हैं। अंकल जी कुछ बोल रहे थे। अच्छा मैम, मैं एक मेरी एक रिक्वेस्ट और थी आपसे कि विशेष रवि के क्षेत्र के अंदर, राज के अंदर जो हमारी बहन बेटी के इलाज के अंदर काम का जो कार्य जो हो रहा है, और भी बीएल कपूर हो गया, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, अन्य जैसे कि आरएमएल हॉस्पिटल हो गया, किसी भी हॉस्पिटल में जाके इनके नाम से भी काम हो रहे हैं और इनके कार्यकर्ता भी भाग भाग के काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो ईडब्ल्यूएस के जो काम होते थे, उस ईडब्ल्यूएस के काम से उनके काम, उनके लेटर पे भी काम हो रहे हैं और जनता भी उनके साथ खड़ी है और वो जनता के साथ खड़े हुए हैं, और मैं इसी के लिए धन्यवाद करता हूँ हमारे। अच्छा आप बताइए, आप भी कुछ बोल रहे थे पीछे से, आप कुछ बोल रहे थे जी, बोलिए। ये बताइए कि अगली बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैडम जी, ये दिल्ली में ना आम आदमी पार्टी की सरकार ही रहेगी, आम आदमी की पार्टी पक्का। ये बीजेपी कांग्रेस वाले ख्वाब देखे बस पड़े और कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, और हर प्रदेश चुन के आएंगे ये, और इतने भारी बहुमत से वोट आएंगे कि जब बीजेपी वाले कांग्रेस वाले की जबान जब्त हो जाएगी इनकी।
अच्छा ठीक है, सर ने जो बोले उनसे सहमत हैं आप सब? 80,000 नई स्कीम निकाली उन्होंने, 80,000 बुजुर्गों को पेंशन नई स्कीम निकाली उन्होंने, उन्होंने अभी लागू की है, उन्होंने अभी 10,000 फार्म उन्होंने ऑनलाइन भर दिए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो कर पूरा कर रहे हैं, और 80,000 मतलब 4 लाख से ऊपर उन्होंने पेंशन। लोगों की बस यात्रा भी ले जाते हैं, मतलब तीर्थ स्थानों पे भी ले जाते हैं, विशेष रवि कभी किसी काम के लिए उन्होंने मना नहीं करा, कभी मना नहीं करा। हाँ जी मतलब छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए भी उन्होंने सारे सबसे बड़ी बात तो क्या है कि कोई छोटा बच्चा भी चला जाएगा तो उन लोगों को मान सम्मान पहले ऑफिस में मना नहीं है, मान सम्मान उनकी बहुत मान रही है। तो जब आप विशेष रवि जी के पास कोई समस्या लेकर जाते हैं तो वो आपको बड़े प्रेम से बुलाते हैं। आप रात को 1 बजे पहुँचाओ, 1 मिनट शांत रहा, रात को आप 1 बजे पहुंचाओ विशेष रवि गांव पर, आपको तरह खड़ा दो बस, और बच्चा उठ के आएंगे, उनके आएंगे सुनेंगे पास भरी, कोई प्रॉब्लम है फील्ड में, आपको मेडिकल की प्रॉब्लम है, कोई की प्रॉब्लम है, वो खुद जाएंगे, वो इतने अच्छे हैं वो खुद आपको उठ के जाते हैं। ऐसे बिठा के मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा।